नाबालिग बालिका को घर से उठाकर ले जाने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर। आईजी भरतपुर एवं एसपी धौलपुर मनोज कुमार के निर्देशन में संपूर्ण जिले में धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गत दिवस पुलिस उप अधीक्षक विजय कुमार सिंह के निकटतम सुपरविजन में कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए 2000 के इनामी बदमाश हरिंद्र उर्फ हरविंदर सिंह निवासी लालोनी थाना कंचनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लगभग एक वर्ष पूर्व थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को दीनदयाल उर्फ दीनू, मोनू एवं हरेंद्र घर से उठाकर ले गए तथा बालिका के साथ गलत काम किया गया। भरतपुर के व्यापारी को लूटने की वारदात में यह शामिल था। उसी समय से हरेंद्र फरार चल रहा था। थाना अधिकारी हेमराज शर्मा ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों एवं लगातार दबिश करते रहने के चलते गत दिवस इनामी बदमाश को उसके लालोनी स्थित घर से घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता हासिल की। इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी हेमराज शर्मा के साथ गजन सिंह एएसआई, लालमन सिंह एएसआई, केदार सिंह हेड कांस्टेबल, पूर्णमल राजेश कुमार, सोनवीर रामनिवास, अमर सिंह एवं योगेंद्र सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर एसडीएम एवं वीडियो के आदेश की पंचायत प्रशासन द्वारा अवहेलना, बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड अधिकारी कुणाल के निर्देशानुसार पंचायत समिति विकास अधिकारी ताराचंद ने ग्राम पंचायत ममोधन की सरकारी भूमि खसरा संख्या 616 पर से धीरेंद्र पुत्र रामअवतार द्वारा किए गए पक्के अतिक्रमण को हटाने को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन को दिनांक 24 मई 2023 को आदेश दिए थे, लेकिन ग्राम पंचायत ममोधन के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी राजकुमार शर्मा जानबूझकर उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण के चलते सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ममोधन, बसेड़ी के उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी ताराचंद के आदेशों की लगातार अवहेलना कर रहे हैं। सर, ये ग्राम पंचायत के क्या मामले? ग्राम पंचायत ममोधन में ग्राम पंचायत की जो जमीन है उस पर अपना का मामला प्राप्त हुआ है। कुछ दबंग लोगों का आरोप लगता है। ग्राम पंचायत को दिया गया है कि अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। पादरी का संघ दिया था, जारी किया था और ये भी कहा था यदि आपको पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो कभी भी आप मान सकते हैं, लेकिन अतिक्रमण हटवाना। शानदार व्यक्तित्व के धनी पुलिस अधिकारी मनीष कुमार का स्थानांतरण, बाड़ी की प्रमुख खबर। राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक बाड़ी मनीष कुमार शर्मा थोड़े ही समय में संपूर्ण क्षेत्र में लोकप्रिय अधिकारी साबित हुए हैं। शानदार व्यक्तित्व के धनी प्रत्येक फरियादी को सुनकर उसकी परेशानी को तुरंत दूर करने वाले के रूप में विख्यात डीएसपी मनीष कुमार का आरपीएस स्थानांतरण सूची में बाल अधिकार आयोग जयपुर स्थानांतरण किया गया है। उनके स्थान पर सुरेश सिंह होंगे बाड़ी के नए पुलिस उपाधीक्षक। डीएसपी मनीष कुमार के स्थानांतरण होने पर संपूर्ण उपखंड क्षेत्र के लोगों ने दुख व्यक्त करते हुए लोकप्रिय अधिकारी के और बने रहने की कामना की। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दी शहीद महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि, धौलपुर की प्रमुख खबर। अवैध चंबल रेता की रोकथाम के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले शहीद महेंद्र सिंह की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किसान भवन में रखा गया। इस अवसर पर रजक धोवी समाज के डॉक्टर जगदीश प्रसाद जग्गा ने कहा कि शहीद महेंद्र सिंह ने रजक समाज का पूरे देश में नाम गौरवान्वित किया। शहीद महेंद्र सिंह ने 29 मई 2012 को अपने प्राणों की परवाह
न करते हुए अपने फर्ज पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ऐसे वीर सपूत को आज पूरा रजक समाज उनकी 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शत शत नमन करता है। इस अवसर पर संत गाडगी रजक समिति के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह दिवाकर ने कहा कि शहीद महेंद्र सिंह धोबी समाज का गौरव है। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शहीद महेंद्र सिंह दिवाकर के तस्वीर पर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल कुमार, सचिन शेडवाल, सहदेव कंसोटिया, ब्रजमोहन दिवाकर, शारीरिक शिक्षक अजय बघेल, अध्यापक नरेश दिवाकर, सुभाष दिवाकर, मुन्ना फारूकी, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा राजस्थान के सचिव सत्यवान सिंह बैंसला, पार्षद विवेक कुशवा, सुभाष दिवाकर, नवनीत दिवाकर, रवि शिवहरे, रंजीत दिवाकर, आशिफ खान आदि उपस्थित रहे। समाज के शहीद जो कि आज से 11 वर्ष पहले उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान किया था और आज हम उनकी 11वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और मैं संत नागरिक से आज उनकी शहादत को सलाम करते हुए हम सभी ने आज उनके एक शोक सभा का आयोजन रखा। उसमें शहीद महेंद्र सिंह ने आज से 11 साल पूर्व अपने प्राणों की आहुति दे दी और हंसते हंसते अपने आप को बलिदान कर दिया। आज शहीद महेंद्र सिंह की स्मृति में आज हम सभी उनको बहुत बहुत नमन करते हैं, बहुत बहुत नमन करते हैं। नमस्कार। धौलपुर में भगवान परशुराम शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। धौलपुर की प्रमुख खबर, भगवान परशुराम के चिरंजीवी अवतार भगवान परशुराम की शोभा यात्रा गत दिवस धौलपुर शहर में बड़े ही आकर्षक और भव्य तरीके से निकाली गई। महात्मा नंद की बगीची में दंदरुआ सरकार, डॉक्टर हनुमान के महंत संत रामदास एवं गंगाबाई बगीची के महंत संत हनुमान दास ने भगवान परशुराम की आरती कर शोभा यात्रा का शुभारम्भ किया। इसके बाद संपूर्ण शहर में भ्रमण करते हुए जगन चौराहा, संतर रोड हाईवे होती हुई मचकुंड रोड स्थित परशुराम सेवा सदन पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का सर्व समाज ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। संपूर्ण शोभा यात्रा मार्ग में भगवान परशुराम की जय जयकार के नारे गूंजते रहे। शोभा यात्रा के साथ समिति संयोजक विशंबर दयाल शर्मा, अध्यक्ष मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रमोद भारद्वाज, पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा, पीसी बोहरा, सीपी शर्मा, पूर्व चेयरमैन रितेश शर्मा, पूर्व सरपंच अनुराग मुदगल, समाजसेवी प्रिंस हुंडावाल, पत्रकार रनीश तिवारी, बजरंग दल संयोजक राम शर्मा, पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष गोपेशराज पचौरी, पत्रकार भूपेंद्र तिवारी, पूर्व प्राचार्य प्रभाकर दीक्षित, समाजसेवी पवन चंसौरिया, बाड़ी ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मुकेश विधोलिया, सूबेदार मुकेश शर्मा सहित संपूर्ण जिले से ब्राह्मण समाज के गणमान्य शामिल हुए। इस दौरान यात्रा मार्ग में कई स्थानों पर भंडारा और शीतल जल की प्याऊ लगाई गई थी। शोभा यात्रा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसौरिया के नेतृत्व में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। भाजपा नेता दुष्यंत शर्मा ने बहन के साथ राजाखेड़ा क्षेत्र में घर घर गांव गांव चला रखा है जोरदार जनसंपर्क। सरमथुरा की प्रमुख खबर, कद्दावर भाजपा नेता दुष्यंत अशोक शर्मा ने बहन मालविका मुदगल के साथ राजाखेड़ा विधानसभा की 10वीं ग्राम पंचायत में की पदयात्रा एवं 90 गांव में किया घर घर जनसंपर्क। राजस्थान के पूर्व मंत्री एवं धौलपुर के लगातार विधायक रहे बनवारी लाल शर्मा के पुत्र वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा ने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। उनके आकस्मिक निधन के बाद उनके पुत्र दुष्यंत शर्मा और बहन मालविका मुदगल, भाई समर्थ शर्मा, तीनों युवा भाजपा नेताओं ने उनकी कमान संभाल राजाखेड़ा को विकास की ओर ले जाने का संकल्प किया। तीनों युवा नेता अपनी शिक्षा और अपना अनुभव
राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता को समर्पित करना चाहते हैं। भाजपा के कद्दावर नेता दुष्यंत अशोक शर्मा ने कहा कि जो विकास कार्य राजाखेड़ा में कांग्रेस ने पिछले दशकों में नहीं किया, वो विकास कार्य भाजपा की सरकार बनने पर किए जाएंगे। राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता की सेवा करना ही मेरा सर्वोपरि लक्ष्य है। जिस दिन मेरा संकल्प राजाखेड़ा से भाजपा विजयी हो जाएगी, उस दिन मेरे पिता भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा को राजाखेड़ा की जनता की ओर से समर्पित सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भाजपा नेत्री मालविका मुदगल ने कहा कि मैं राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता के हर दुख सुख में साथ हूं। राजाखेड़ा को विकास की ओर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। नेता समर्थ शर्मा ने बताया कि हमने बहन मालविका मुदगल, भाई दुष्यंत शर्मा के साथ मिलकर हम तीनों ने अब तक राजाखेड़ा क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों एवं 90 गांव में लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क किया। पदयात्रा में साथ चलने वाले अन्य भाजपा नेताओं में रामकिशोर शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष मरेना, नेमीचंद कुशवा, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनिया, प्रताप सिंह पूर्व सरपंच गोपालपुरा, हुकुम सिंह लोधी बीजेपी जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, नाहर सिंह सरपंच धारापुरा, बनवारी सरपंच सामोर, राजू चौधरी भाजपा कार्यकर्ता, अशरफी सिंह जादौन, रामावतार त्यागी, दिनेश कुशवा, राजेश जाटव मछरिया, भूपेंद्र पोसवाल सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा शक्ति से जन भागीदारी द्वारा युवाओं के विकास से ही देश का सही विकास। डॉक्टर मनोज राजौरिया, धौलपुर की प्रमुख खबर। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आज 29 मई 2023 को संसदीय क्षेत्र के धौलपुर जिला मुख्यालय पर नेहरू युवा केंद्र धौलपुर द्वारा आयोजित जिला युवा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि इस भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मामला मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में अमृतकाल के दौरान युवाओं कलाकारों के पंचप्रण एवं इंडिया 2047 के तहत युवाओं को विभिन्न कौशलों में विकसित करते हुए उन्हें देश के निर्माण में भागीदार बनाने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद राजौरिया ने बताया कि नागरिकों का कर्तव्य पर अपनी शक्ति को केंद्रित करने के लिए किए गए आह्वान के तहत युवाओं को जागरूक करने हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया के साथ नेहरू युवा केंद्र धौलपुर के कोऑर्डिनेटर पंकज यादव, भाजपा नेता मजन सिंह जादौन, राजकुमार गुर्जर, महाराज सिंह चाहर, सुरेंद्र सिंह सिकरवार, यदुवीर सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष कर्मचारी संघ धौलपुर आदि और सैकड़ों की संख्या में युवा वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। सरमथुरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, विभिन्न मामलों में 27 अपराधी किए गिरफ्तार। सरमथुरा की प्रमुख खबर। महानिदेशक पुलिस एवं महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा अवैध चंबल रेता खनन निर्गमन परिवहन के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत सरमथुरा पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। अवैध चंबल रेता परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 3 प्रकरण किए दर्ज। एक मुलजिम पवन को अवैध चंबल रेता ले जाते हुए मय ट्रैक्टर ट्रॉली के किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही अन्य 2 आरोपियों द्वारा रोड पर ट्रॉली को छोड़कर ट्रैक्टर लेकर फरार होने पर बजरी से भरी 2 ट्रॉलियों को किया जब्त। फरार चालकों के खिलाफ किए गए अभियोग दर्ज। फरार चालकों एवं ट्रैक्टरों की तलाश जारी, शीघ्र ही किया जाएगा गिरफ्तार। अभियान के दौरान अवैध खनन एवं परिवहन के मामलों में विगत 10 वर्षों के चालान शुदा कुल 27 अपराधियों से पूछताछ कर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में किया गिरफ्तार। अवैध खनन निर्गमन एवं परिवहन के खिलाफ थाना क्षेत्र में जारी रहेगा अभियान। सुरेश कुमार डावरिया पुलिस उप अधीक्षक सरमथुरा के साथ कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार, जगदीश प्रसाद शर्मा एएसआई, राजवीर सिंह हेड कांस्टेबल, कन्हैया लाल हेड कांस्टेबल, राकेश कुमार हेड कांस्टेबल चौकी आंगई, राधेश्याम चेतन सिंह, ओम प्रकाश, हरवेंद्र जसवंत समुद्र, मनोज कुमार, संदीप शर्मा, विनोद कुमार, श्री किशन, गोपाल सिंह, भवर सिंह, राम प्रताप, सुमेर सिंह, मनोज कुमार कांस्टेबल थाना सरमथुरा शामिल रहे।
नहीं नाम नहीं लिखा है वो बैठे रहो, नाम जो नहीं अगर नाम रहे वो नहीं बैठे लोगों ने नाम लिखा दिया इसी तरह का दर्द। अपना घर सेवा समिति बसेड़ी का दायित्व ग्रहण समारोह कल मंगलवार को होगा। बसेड़ी की प्रमुख खबर, अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की बैठक समिति अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। समिति अध्यक्ष गर्ग ने बताया कि बैठक में 30 मई मंगलवार को होने वाले समिति के दायित्व ग्रहण समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने की अपील की। कार्यक्रम संयोजक एवं समिति के मीडिया प्रभारी रवि गोयल दोपरा वालों ने बताया कि दायित्व ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन सम्माननीय अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल, अपना घर आश्रम के संस्थापक बीएम भारद्वाज, अपना घर आश्रम के मुख्य संरक्षक वीरपाल सिंह, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, राष्ट्रीय सह संयोजक सचिव सुनील गर्ग बाड़ी की सहभागिता में 30 मई मंगलवार को शाम 7 बजे से सैगर गार्डन बसेड़ी में किया जाएगा। बैठक के दौरान कैलाश चंद गोयल, सचिव संजय अग्रवाल, सुखराम सिंह एडवोकेट, संतोषी मंगल, जयप्रकाश यदुवंशी, संजय गर्ग, मनोज परमार, माता प्रसाद गर्ग, पवन गोयल, हेमंत बंसल, सचिन गोयल, अशोक गोयल, हरिशंकर शर्मा, सुरेश शर्मा, निशांत पाराशर सहित कई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। बसेड़ी से निशांत पाराशर की रिपोर्ट। भारत माता की तस्वीर दीप प्रज्वलन के लिए वो किसी पर दीप मिले वहाँ में कौन लाए हो गणगौर के मेला में भारतीय खेल प्राधिकरण बेंगलुरु के प्रशिक्षक ने टाइगर क्लब में प्रशिक्षण दिया। ताइक्वांडो एवं कराटे से पनपता है आत्मविश्वास। एनआईएस कोच विनीत शर्मा, भरतपुर की प्रमुख खबर। किला स्थित जयशंकर टाइगर जूडो कराटे क्लब पर प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई बेंगलुरु से प्रशिक्षित सेंसेई विनीत शर्मा, जापान से कराटे ब्लैक बेल्ट सेकेंड डैन एवं कुकीवो साउथ कोरिया से ताइक्वांडो में सेकेंड डैन ब्लैक बेल्ट ने अपने अनुभव खिलाड़ियों के साथ साझा किए। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो एवं कराटे खेल में हुए बदलावों के बारे में खिलाड़ियों को अवगत कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशिक्षक विनीत शर्मा एवं अन्य अतिथियों ने क्लब के संस्थापक जयशंकर टाइगर की मूर्ति पर माला एवं दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षक वीर शर्मा का क्लब के सदस्यों ने माल्यार्पण एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। मुख्य अतिथि कुफू में ब्लैक बेल्ट पवन पाराशर, वरिष्ठ अतिथि नेशनल जूडो चैंपियन पोहप सिंह जादौन, कराटे में भरतपुर से प्रथम महिला प्रशिक्षक नेहा शर्मा, कुश्ती चैंपियन योगेश लवानिया रहे व अध्यक्षता भरतपुर ताइक्वांडो संघ सचिव दीप्ति शर्मा ने की। इस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित सभी खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में क्लब की महिला प्रशिक्षण एवं ताइक्वांडो सचिव दीप्ति शर्मा ने उपस्थित सभी अतिथि एवं प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया। आज हमारे यहाँ जयशंकर टाइगर क्लब में बेंगलुरु से आए हुए अतिथि शैंशुई विनीत जी ने हमारे क्लब में सभी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया और बच्चों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी गुणों के बारे में भलीभूत समझाया। हम विनीत जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे क्लब में आकर हमारे सभी खिलाड़ियों को नई सी नई होने वाली तकनीकियाँ और उनकी बारीकियों के बारे में बताया। मैं विनीत जी को तहे दिल धन्यवाद देती हूँ और जयशंकर टायर क्लब की सभी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। नमस्कार। आज जयशंकर टायर क्लब भरतपुर में एक अच्छे प्रशिक्षित व्यक्ति का आगमन हुआ है जिनका नाम है विनीत शर्मा, जो कि साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से प्रशिक्षित हैं, जिन्होंने NIS किया हुआ है प्रक्रिया कोर्स। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस जयशंकर शर्मा का एक क्लब में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए बच्चों के लिए ताइक्वांडो में जो नवीनतम चेंज हुए हैं, बदलाव हुए हैं, उनके नियमों से अवगत कराने के लिए शॉर्ट विजिट पर विनीत शर्मा जी यहाँ आए
और हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि समय समय पर यह दुनिया में बदलाव हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इससे बच्चों को अवगत कराते रहें जिससे कि यह आगामी प्रतियोगिताओं में सफलतापूर्वक अपना प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए हम विनीत शर्मा जी के बड़े आभारी हैं, उन्होंने अपना समय कीमती समय निकाला है बच्चों के लिए। आज हमारे टाइगर जू कराटे क्लब में स्पोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रशिक्षक विनीत जी आए हैं जो बच्चों को नई टेक्निक के बारे में समझा रहे हैं, नए नियमों की जानकारी दे रहे हैं जिससे कि बच्चे आगे टूर्नामेंट में और अच्छा कर सकें। बच्चे समय समय पर हम बुलाते रहते हैं ऐसे प्रशिक्षकों को जो कि हमारे बच्चों को नई नई टिप्स दें, नई नई कुछ सिखाएँ, क्योंकि आज पहले जैसे नियम नहीं रहे, हर चीज़ के नियम बदल गए। इसी तरह टाइकंडो जूडो कराटे सब में भी नियम बदल गए, इसलिए अब बीच बीच में जो भी प्रशिक्षित होते हैं कलकत्ता से उड़ीसा से अभी आए हुए हमारे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से विनीत जी आए हुए हैं, ये बच्चों को नई नई टेक्निक सिखा रहे हैं जिससे कि बच्चों को आगे इस खेल का लाभ मिल सके। धन्यवाद। धौर गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन, बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के गांव धौर में भागवत कथा में कथावाचक आचार्य बनवारी भाई उपमन्यु ने कहा कि मनुष्य से जीवन में जाने अनजाने में प्रतिदिन कई पाप होते हैं, उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। उन्होंने ईश्वर आराधना के साथ अच्छे कर्म करने का आह्वान किया। उन्होंने भगवत कीर्तन करने, ज्ञानी पुरुषों के साथ सत्संग कर ज्ञान प्राप्त करने व अपने जीवन को सार्थक करने का आह्वान किया। भजन मंडली की ओर से प्रस्तुत किए गए भजनों पर श्रोता भाव विभोर होकर नाचने लगे। इस दौरान परीक्षित रामवीर सिंह कुशवाहा, राजू कुशवाहा सहित सैकड़ों श्रद्धालु व भक्तगण मौजूद रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। तो माँ मिर्ची खाती है, नमक खाती है तो उसके शरीर में जलन होती है, तो वो जीव भगवान से कहता है हे प्रभु मुझे इस नरक ओबीसी आयोग को सर्वे रिपोर्ट नहीं भेजने पर कुशवाहा समाज में आक्रोश। धौलपुर की प्रमुख खबर। ग्राम पंचायत निनोखर के गांव मोहल्ली के पुरा में कुशवाहा समाज आरक्षण को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज द्वारा फैसला लिया गया कि ओबीसी आयोग के आदेश के अनुसार धौलपुर जिला प्रशासन ने अभी तक समाज की आर्थिक सामाजिक सर्वे रिपोर्ट आयोग को नहीं भेजी है, जिसे लेकर कुशवाहा समाज में रोष दिखाई दे रहा है। समाज ने यह फैसला किया है कि अगर जिला प्रशासन ने 2 जून 2023 तक समाज की आर्थिक सामाजिक सर्वे रिपोर्ट आयोग को नहीं भेजी तो कुशवाहा समाज द्वारा धौलपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। जिला अध्यक्ष पवन कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में धौलपुर के एसडीएम व एडीएम व जिला कलेक्टर को कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बैठक की अध्यक्षता बीरी सिंह सरपंच निनोखर द्वारा व मुख्य अतिथि बदन सिंह कुशवाहा, मुख्य सचिव आरक्षण संघर्ष समिति व विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष पवन कुमार कुशवाहा रहे। बैठक में बहादुर सिंह कुशवाहा, भीकम सिंह कुशवाहा, केदार कुशवाहा, वीरेंद्र, राम कुमार, राम गोपाल, सुरेश, रमेश कुशवाहा, जगदीश कुशवाहा, विष्णु कुशवाहा तथा सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। कुमार कुशवाहा जिला अध्यक्ष सम्राट अशोक सेना धौलपुर। जैसा कि आप सभी को पता है, कुशवाहा सैनी माली शाखा और समाज की 12% आरक्षण को लेकर के सभी जिला कलेक्टर महोदयों को, एसडीओ महोदयों को बार बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कुशवाहा समाज के द्वारा समय समय पर 2-3 आंदोलन भी किए गए, लेकिन सरकार के द्वारा हमारी मांगें नहीं मानी गईं। ओबीसी आयोग ने 10 दिन में जिला कलेक्टर को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा, लेकिन आज 28 दिन होने के बाद भी धौलपुर जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा हमारी रिपोर्ट आयोग को नहीं भेजी। इसे लेकर के हमारी मीटिंग आज भागीरथपुरा के सरपंच वीर सिंह कुशवाहा के द्वारा उनकी ग्राम पंचायत के गांव मौलीपुरा में रखी गई, जिसमें अगर 2 तारीख तक जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा हमारी रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है, आने वाले हफ्ते में समाज के द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा।